स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेबिनेट कंपनसेटर के बारे में और देखेंगे क्या और कैसी थ्योरी इस टॉपिक पे लिखनी चाहिए जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। देखिए, पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम वेबिनेट कंपनसेटर क्यों पढ़ें। देखिए, हमने अभी तक जो पढ़ा है हाल फिलहाल में हाफ वेब प्लेट, ठीक है, और क्वार्टर वेब प्लेट। तो हाफ वेब प्लेट में और क्वार्टर वेब प्लेट्स क्या थे, ये दोनों जो ऑप्टिकल डिवाइसेस थी ये केवल और केवल डेफिनेट या फिक्स पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करते थे बिटवीन ई रे एंड ओ रे के बीच में। लेकिन हम चाहते हैं कि हमको डेफिनेट पाथ डिफरेंस कितना था, अगर मैं क्वार्टर की बात करूँ तो लैम्डा बाई 4 था, और अगर मैं हाफ वेब प्लेट की बात करूँ तो उस लैम्डा बाई 2 आता था। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, लैम्डा बाई 4 का पार्ट डिफरेंस नहीं आए, हमें लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए लैम्डा बाई 3 का, हमें लैम्डा बाई 6 का, हमें लैम्डा बाई 5 का। मतलब हम अपने अकॉर्डिंग पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं बिटवीन ई रे एंड ओ रे। तो क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करें, एक ऐसी डिवाइस जनरेट करें। तो जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वेबिनेट कंपनसेटर है जिसके थ्रू हम डिज़ायर पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिटवीन ई रे एंड ओ रे। तो देखिए इसमें क्या लिखना है, एक्चुअली मैं पहले आपको बता दूं, छोटी सी डेफिनेशन होती है क्योंकि ऑप्टिकल डिवाइस है तो कुछ बताना ही नहीं है। एक ऑप्टिकल डिवाइस बाय विच वी कैन इंट्रोड्यूस डिज़ायर पाथ डिफरेंस बिटवीन ई रे एंड ओ रे, उसी को हम बोलते हैं वेबिनेट कंपनसेटर। तो देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है, ऑलरेडी आपके लिए थ्योरी लिख दी है जिससे वीडियो शॉर्ट हो जाए। यहां लिखा, वी नो दैट फॉर अ गिवन वेवलेंथ क्वार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट प्रोड्यूस अ फिक्स्ड पाथ डिफरेंस। क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फिक्स्ड पाथ डिफरेंस। कितना, जो हमारे पास क्वार्टर वेव प्लेट है वो लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस, फिक्स पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस करती है बिटवीन ई रे एंड ओ रे। तो यहाँ पे लैम्डा बाई 4 किसके लिए, क्वार्टर वेव प्लेट के लिए, और लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है जब हम यूज़ करते हैं क्या, हाफ वेव प्लेट। तो यहाँ लैम्डा बाई 2 हाफ वेव प्लेट के लिए है और लैम्डा बाई 4 आता है क्वार्टर वेव प्लेट के लिए बिटवीन ई रे एंड ओ रे। बट वेबिनेट कंपनसेटर इज अ यूजफुल डिवाइस, इज अ यूजफुल डिवाइस। क्यों बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ कि इट इज़ अ यूजफुल डिवाइस, यूजफुल इसलिए है हम अपनी इच्छा से जितना पार्ट डिफरेंस चाहें ई रे और ओ रे के बीच में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हो, कुछ एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा और नो डाउट आपको ये टॉपिक अच्छे से रियलाइज हो जाएगा। देखिए ये बात हुई, फिर क्या है वेबिनेट कंपनसेटर। मैंने लिखा वेबिनेट कंपनसेटर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस बाय विच वी कैन प्रोड्यूस एनी डिजायर पाथ डिफरेंस बिटवीन ई रे एंड ओ रे। ई रे और ओ रे के बीच में डिजायर पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करने की जो ऑप्टिकल डिवाइस है उसका नाम है वेबिनेट कंपनसेटर। अगेन आई रिपीट वेबिनेट कंपनसेटर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस बाय विच वी कैन इंट्रोड्यूस डिजायर पाथ डिफरेंस फिर से कह रहा हूँ, एनी डिजायर पाथ डिफरेंस बिटवीन ई रे एंड ओ रे, इसके लिए ये डिवाइस जानी जाती है। ठीक है, बहुत यूजफुल डिवाइस है क्योंकि न्यूमेरिकल को करते समय या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय मुझे एक ऐसे डिवाइस चाहिए थी जिससे हम डिज़ायर पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर पाएँ बिटवीन ई रे एंड ओ रे। अभी समझेंगे कि ई रे और ओ रे है कहाँ से आई है, कैसे आई है, वो समझेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में, सब कुछ जानेंगे धीरे से। अब समझिए, हमें बताना है कंस्ट्रक्शन, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि पहले आपको मैं ये बताऊं कि ई रे और ओ रे कैसे आई। ठीक है, देखिए क्या बोलता हूँ मैं कि बैबनेट जो कंपनसेटर है क्या करता है, इट कंसिस्ट टू वेज सेव्ड क्वार्ट्स क्रिस्टल। अब क्वार्ट्स क्रिस्टल की कहानी समझ लीजिए, हमने लिया एक क्वार्ट्स क्रिस्टल, ये हमारे पास एक क्वार्ट्स क्रिस्टल है। इस क्वार्ट्स क्रिस्टल पे क्या हुआ, इस क्वार्ट्स क्रिस्टल पे मैंने एक अनपोलराइज लाइट डाली, इस पे मैंने एक अनपोलराइज लाइट इंसीडेंट कराई अनपोलराइज लाइट। तो देख रहे हो इसके पास दो तरह के वाइब्रेशंस हैं,
एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हैं जो ऐसे हैं, इस बोर्ड के प्लेन के पैरेलल हैं, और एक वाइब्रेशन डॉट वाले हैं जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। दो तरह के वाइब्रेशन है यहाँ पे। अच्छा, जैसे ये अंदर एंट्री करी यहाँ से, तो ये थोड़ा सा अपने रास्ते से हट गई इधर से, और एक थोड़ा ज़्यादा हट गई। ठीक, जब बाहर निकले तो दोनों फिर पैरेलल हो गए। दोनों कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। तो देख रहे हो, ये जो वाइब्रेशन थे, ये वाइब्रेशन ऐसे हैं, ये पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर हैं। ठीक, मैं तो बोर्ड के प्लेन में बात कर रहा हूँ। आप लिखोगे कि ये वाले जो वाइब्रेशंस हैं ये पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर हैं, और ये वाले जो वाइब्रेशंस हैं ये वाले परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हैं। तो इस तरह के वाइब्रेशन अलग हो गए। जब ये अलग हुए बाहर निकले तो ऐसे आ गए। तो ये वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हैं, इनको बोलते हैं ओ रे, और जो ये वाइब्रेशन है जो बाहर आए हैं पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये वाले होते हैं ई रे। क्या होते हैं? ये होते हैं ई रे, इनको बोलते हैं ई रे। अब देखिए, जो ओ रे होते हैं, जो ओ रे है ये क्या करती है? ये ऑर्डिनरी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती है, मीन्स स्नेल लॉ को ये वाली रे फॉलो करती है। लेकिन जो ई रे हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हैं, ये ऑर्डिनरी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करते, मीन्स ये स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ये वाली रे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। ये वाली रे क्या है? ये ऑर्डिनरी रे हैं, ये स्नेल्स लॉ को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि ये हमारे पास एक क्वार्ट्स क्रिस्टल था। मैं नाम भी लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है? क्वार्ट्स क्रिस्टल है। अब क्वार्ट्स क्रिस्टल के अंदर स्पेशलिटी क्या है, जरा देख रहे हो, जो ई रे की स्पीड है, ई रे वो थोड़ी स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ पर जो स्पीड आती है वी ई इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ ओ रे। तो ये आपको समझना है। अब क्वार्ट्स क्रिस्टल कैसा होता है? देखिए, क्रिस्टल भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव क्रिस्टल, एक होता है नेगेटिव क्रिस्टल। तो जो क्वार्ट्स क्रिस्टल होता है वो पॉजिटिव क्रिस्टल होता है। क्या होता है? क्वार्ट्स की जो क्रिस्टल है, क्वार्ट्स क्रिस्टल ये हमारे पास पॉजिटिव क्रिस्टल होता है। अब पॉजिटिव क्रिस्टल में क्वार्ट्स क्रिस्टल आता है, क्वार्ट्स क्रिस्टल के अंदर ई रे और ओ रे के साथ क्या क्या सामंजस्य बैठा हुआ है? इसके अंदर ये है सिस्टम कि ई रे है वो थोड़ी स्लोवर होती है और ओ रे थोड़ी फास्टर होती है। ठीक है, अभी हम दूसरा क्रिस्टल लेते, अगर कैल्साइट क्रिस्टल लेते तो इसका उल्टा होता। ठीक है, अभी हमको बात करनी है किस पे? क्वार्ट्स क्रिस्टल की। तो मैंने क्या लिया? इट कंसिस्ट टू वेज शेप्ड क्वार्ट्स क्रिस्टल। तो मैंने अभी यहाँ तक बात नहीं करी है, अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि ई रे और ओ रे कैसे मिलती है आपको। तो ये अनपोलराइज लाइट है, किसी क्वार्ट्स क्रिस्टल पे पड़ी तो वो दो रे में ब्रेक हो गई, ई रे और ओ रे में। बाहर निकले तो दोनों क्या, देखिए दो, ये भी पोलराइज लाइट है, ये भी पोलराइज लाइट है, दोनों के दोनों प्लेन पोलराइज लाइट हैं। बस फर्क है किसमें? इनके वाइब्रेशन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर हैं, और ओ रे के जो वाइब्रेशन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हैं। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना था। आपको लेना है दो वेज शेप्ड, क्या लेने हैं? क्वार्ट्स क्रिस्टल लेने हैं। तो कैसे लेने हैं, जरा देखिए, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये मेरे पास एक, मेरे पास दो वेज शेप्ड ये क्रिस्टल हो गए। ठीक है, ये हमारे पास दो वेज शेप्ड क्रिस्टल हो गए। अब इन क्रिस्टल को क्या करना है आपको? इन क्रिस्टल को डायगोनली इनको जोड़ देना है आपको। इन दोनों को अगर जोड़ दोगे, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। अगर इन दोनों क्रिस्टल को आप डायगोनली प्लेस कर दो, ठीक है, ऐसे ही जोड़ दो, तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है कुछ ऐसा, देखिए कुछ ये ऐसी सिचुएशन बन के आती है, ये कुछ सिचुएशन ऐसी बन के आती है, ये दोनों ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारे पास ए, इधर वाला पार्ट हो जाता है बी, हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लाइट हमारे पास इंसिडेंट हुई, यहाँ से ये अनपोलराइज लाइट इस पर पड़ती है और ये लाइट आगे जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये अनपोलराइज लाइट हमारे पास पड़ी थी, इस अनपोलराइज लाइट के पड़ने पर हुआ क्या,
हमको क्या लेना है, हमको लेना है इट कंसिस्ट टू वेज शेप्ड क्वार्ट्ज क्रिस्टल ए एंड बी। तो ए और बी हमारे पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गए। फिर क्या करना है, दीज क्रिस्टल्स आर प्लेस्ड डायगोनली, डायगोनली प्लेस कर दिए गए, दोनों को ऐसे कर दिया गया, तो ये फॉर्मेट बन गया। ठीक है, ये यहाँ पहुँच गए, डायगोनली एडजेसेंट टू ईच अदर, सो दैट दीज क्रिस्टल फॉर्म्स रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा, क्रिस्टल ए कट विथ इट्स ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस एक्सिस, इस क्रिस्टल का जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो ये है, ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अब जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, हमें क्या लेना है, हमें लेना है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ क्या मैंने बोला कि क्रिस्टल ए कट विथ इट्स ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसकी जो ऑप्टिकल एक्सिस होंगी वो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। तो मतलब कुछ ऐसे यहाँ पर मैं बना दूँ इसकी ऑप्टिक एक्सिस, तो ये ऑप्टिक एक्सिस की हो जाएंगी, ये ऑप्टिक एक्सिस है इसकी, ठीक, ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस है, ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है ना, वाइल क्रिस्टल बी इज कट विथ इट्स ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस क्रिस्टल बी का जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो ये है, ये इसके पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मैं लिख देता हूँ कहीं से, ये है इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल ऑप्टिक एक्सिस बनानी है, तो ऑप्टिक एक्सिस कैसे बनेगी, मैं बना दे रहा हूँ, देखिए ये पैरेलल ऑप्टिक एक्सिस है, क्रिस्टल बी की जो ऑप्टिक एक्सिस हैं वो पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, ये ठीक है। और क्या होता है, और इस क्रिस्टल बी के ऊपर एक लगा होता है स्क्रू, क्या लगा होता है, स्क्रू लगा होता है एस, क्या लगा होता है, स्क्रू लगा होता है, जिसके थ्रू हम इस क्रिस्टल बी को ऊपर नीचे खिसका भी सकते हैं, ऊपर नीचे खिसका भी सकते हैं। तो ये बात समझ में आई, एक मैं खिसका करके भी आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से अनपोलराइज लाइट इस पर फॉल हुई थी, अनपोलराइज लाइट फॉल हुई थी, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, ये अनपोलराइज लाइट फॉल हुई थी। तो आपको समझ में आया कि आपके पास क्या थे, दो वेज शेप्ड क्रिस्टल थे, कौन से, क्वार्ट्ज क्रिस्टल थे ए और बी, उन्हीं दोनों को क्या किया गया है, आपको आपने डायगोनली प्लेस्ड किया है। तो यहाँ लिखा था मैंने आपको डायगोनली प्लेस्ड, डायगोनली एडजेसेंट टू ईच अदर, और फिर मैंने इस तरह का एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना दिया। अब इसके आगे क्या होता है, इसी फिगर का एक दूसरा पैटर्न भी आप बनाते हो, क्या बनाते हो, देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसी का, अगर मैं इसको खिसका दूँ ऊपर, ठीक है, स्क्रू के थ्रू अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये शिफ्टिंग हो जाती है ऐसे, ये है ऐसे, स्क्रू एस के थ्रू हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ये आ गया, ठीक। तो आप देख रहे थे कि ये लाइट हमारे पास ऐसे जा रही थी, ये हमारे पास लाइट थी, अनपोलराइज लाइट पड़ी थी, तो हम चाहे तो खिसका करके जितना चाहे पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कम ज़्यादा करना हो मुझे तो वो हो जाएगा, कोई इशू उसका नहीं है। तो ये अनपोलराइज लाइट हो गई और ये इस पर पड़ी, तो क्या देख रहे हो, इसकी जो ऑप्टिक एक्सिस थी वो ऐसे थी, ये पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये एस है, ये वाला आपके पास इस साइड का बी क्रिस्टल है, इधर का क्रिस्टल ए है, और इसकी जो ऑप्टिक एक्सिस है वो ऐसे हैं, ये ऑप्टिक एक्सिस ऐसे हैं। देखिए इस क्रिस्टल ए का जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो ये फेस है, फिर से ध्यान दीजिए, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है किसका, क्रिस्टल ए का, और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है क्या, क्रिस्टल बी का। तो जो ऑप्टिकल एक्सिस बी वाले क्रिस्टल की हैं वो पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, और यहाँ पर क्या है, ये जो लाइंस हैं ऐसे लाइंस हैं, एक बार समझ लीजिए इस चीज़ को, कि मतलब जैसे ये लाइंस हैं, तो ये रिफ्रैक्टिंग, देखिए ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है,
ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसा हुआ, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये ऐसा बनाया गया और उस पर ये हमारे पास ऑप्टिक एक्सिस है। तो जो ऑप्टिक एक्सिस हैं वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये आपके पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस मान लीजिए यह ऐसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जो हमारी एक्सिस हैं वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो क्रिस्टल ए की जो ऑप्टिक एक्सिस हैं वो या तो ऐसे होंगी या फिर ऐसे होंगी या फिर ऐसे हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह से होगा, परपेंडिकुलर होंगी। लेकिन जो क्रिस्टल बी की ऑप्टिक एक्सिस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि फिगर पहले ये बनाओगे, मतलब फर्स्ट फिगर ये बनता है, पहले तो ये बनाइए फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड नंबर पे ये बनाइए आप, और थर्ड नंबर पे ये बनाइए। ठीक है, इसको करने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी वर्किंग। तो वर्किंग के लिए सिर्फ थोड़ा सा कंसिडरेशन है, क्या है कंसिडरेशन, ये है कि हमने मान लिया कि यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है डी वन, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है डी टू, क्या है डी टू। तो ये डिस्टेंस है डी वन यहाँ से इस तक जगह तक, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक डिस्टेंस डी वन है, और उस पार्ट में क्रिस्टल बी में जो डिस्टेंस है वो डी टू है। सिर्फ डी वन और डी टू लेट करना है, और थोड़ी सी बात और, टी जीरो जिसको बोलते हो टाइम टेकन बाई ऑर्डिनरी रे, और टी ई टाइम टेकन बाई द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, इतना लेट करना पड़ेगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसको हटाएं। देखिए इसकी जरूरत नहीं है आपको, ये तो आपने समझ ही लिया है, इसी को मिला करके आपने ये बनाया, तो इसकी जरूरत नहीं है। चलिए हटा देता हूं मैं इसको, देखिए इसको हटा देता हूं, और यहां से कंसीडरेशन अपना लेट कर लेता हूं। लेट क्या आ जाएगा, अब मैंने लेट किया, लेट हमारे पास आ गए वर्किंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वर्किंग पढ़ेंगे। तो वर्किंग में क्या आता है, हमने लेट कर लिया कि लेट टी नॉट और टी ई क्या है, लेट टी जीरो एंड टी ई, ये क्या है टी नॉट या टी जीरो एंड टी ई बी द टाइम टेकन बाई ई रे, देखिए पहले ओ है तो ओ लिख दीजिए, ओ रे एंड ई रे। ठीक है, कहाँ ये ट्रेवल टाइम लिया जा रहा है, इन क्रिस्टल ए ई रे, इन क्रिस्टल ए टू ट्रेवल डिस्टेंस डी वन, डी वन डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो ओ रे और ई रे को टाइम लगता है वो टाइम क्या है, वो टाइम है टी ओ एंड टी ई। तो कितना टाइम लगेगा जरा देखिए, यहाँ से टी ओ का मतलब कितना आया, टी ओ का मतलब आता है ये टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या आएगा, डिस्टेंस है कितना डी वन, और वेलोसिटी कितनी है वी ओ, ये वेलोसिटी है ऑर्डिनरी रे की। एंड क्या आएगा, टी ई की वैल्यू कितनी आएगी, टी ई की वैल्यू आएगी डी वन अपॉन वी ई। अच्छा आपको पता क्या है, इन क्वार्ट्स क्रिस्टल क्या है, इन क्वार्ट्स क्रिस्टल क्या देख रहे हैं आप, क्वार्ट्स क्रिस्टल में जो वेलोसिटी ऑफ ई रे है, क्या है क्वार्ट्स क्रिस्टल वी ई, यहां पर क्या है वी ई यहाँ से हमारे पास VE जो आता है, VE जो VE है इसको क्या लिखते हो, VE is less than यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा VO, क्योंकि हमको पता है कि इन क्रॉस क्रिस्टल में क्या होता है, VE is less than VO आ जाता है। अच्छा अगर ये है इसका मतलब क्या होगा, जिसमें स्पीड कम होती है, देखिए डिस्टेंस सेम है जब डिस्टेंस सेम होती है और जिस मान लो किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, ऐसा सपोज करिए किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, और
मैं डिस्टेंस को मान लेता हूँ यहाँ से कि आप गए कहाँ से, इस जगह से जाना है इस जगह तक, ठीक है। दो आपके पास ऑप्शन है, एक जिसकी स्पीड कम है आप उससे जाना चाहो, डिस्टेंस सेम है डी वन डिस्टेंस ही ट्रेवल करनी है। यहाँ से हो सकता है ऐसे आप साधन से जाइए, ऐसे व्हीकल का यूज़ करिए जिसकी स्पीड कम हो, तो यहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उससे यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचने में टाइम कम लगेगा। इसका मतलब जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको टाइम कम लगेगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ यहाँ पे हमारे पास जो टी ई आएगा, ठीक है, टी ई आएगा वो क्या होगा, टी ई इज़ ग्रेटर देन होगा टी ओ। ये बात कन्फर्म हो जाती है क्योंकि जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उसको वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी देखिए जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब ये समझना है, और टाइम उसको कम लगेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब क्या हुआ, तो टाइम डिफरेंस कितना होगा, टाइम डिफरेंस निकाल लीजिए, टाइम डिफरेंस बिटवीन ई रे एंड ओ रे। नाउ टाइम डिफरेंस बिटवीन ओ रे एंड ई रे इन क्रिस्टल ए क्या आ जाएगा, टाइम डिफरेंस का मतलब होता है डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आता है, डेल्टा टी का मतलब हो गया टी कौन सा ज़्यादा है, टी ई ज़्यादा है माइनस टी ओ से। तो देखिए टी ओ की वैल्यू यहाँ से कितनी है, डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना आ गया था, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आया था यहाँ, डेल्टा टी इज इक्वल टू आ गया था टी ई की वैल्यू। देखिए यहाँ से क्या मिलेगी, टी ई की वैल्यू डी वन अपॉन ये हमारे पास है कितना, वी ई, ये हमारे पास टी ई की वैल्यू है, और ये कितना है टी ओ की वैल्यू डी वन अपॉन वी ओ वैल्यू आ गई। जरा इसकी देखो यहाँ पे कॉमन करिए तो क्या मिलेगा, कॉमन करने पर आएगा डी, कॉमन कर लिया डी वन, यहाँ आ गया हमारे पास वी ई माइनस वन अपॉन वी ओ आ गया। यहाँ थोड़ा सा काम करना है, यहाँ पे आपको C से मल्टीप्लाई कर देना है, C से डिवाइड कर देना है, तो क्या मिल जाएगा जरा देखिए कंसेप्ट, यहाँ से डेल्टा T जो आया है ये आ जाएगा D1 बाई C, मैंने C से डिवाइड भी किया और C से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, कितना आ जाएगा जाके, मैंने C से मल्टीप्लाई कर दिया तो अंदर हमारे पास है वन अपॉन वी ई माइनस वन अपॉन वी ओ। तो क्या मिल जाएगा जाके, ये मिलेगा डी वन अपॉन सी, अंदर चले जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, C अपॉन वी ई माइनस C अपॉन वी ओ आ गया। अभी क्या आया देखिए, C अपॉन वी ई मतलब ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड इन मीडियम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास डेल्टा T इज इक्वल टू आ जाएगा डी वन अपॉन सी होपफुली, चलो मैं लिख देता हूँ, दिखना चाहिए आपको, मैं चेक कर लूँगा अभी, डी वन अपॉन सी यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, ये आपको मिल जाएगा देखिए सी अपॉन वी ई, ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब ये हो जाता है म्यू ई, क्या आ जाएगा म्यू ई माइनस म्यू ओ, ये चीज़ बन जाती है। तो डेल्टा टी आपने निकाल लिया, किस में निकाला है, डेल्टा टी निकाला है, टाइम डिफरेंस निकालना है इन क्रिस्टल ए बिटवीन ओ रे एंड ई रे। देखिए ये कंसिडरेशन करने से पहले आपको ये भी बताना पड़ता है कि अनपोलराइज लाइट पड़ती कहाँ पे है, तो जरा देखिए मैं ऊपर हटा दूँ तो वर्किंग में थोड़ा सा आप और ऐड कर लेंगे, वर्किंग में क्या ऐड कर लेंगे, इसको हटा देता हूँ पहले, तो वर्किंग यहाँ से ना करके आप ऊपर से स्टार्ट कर देंगे, थोड़ी थ्योरी लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए आप वर्किंग यहाँ पे कर लीजिए और यहाँ लिख दीजिए When unpolarized light, ये वर्किंग में ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा When unpolarized light एक unpolarized light है, देखिए यहाँ जो लाइट पड़ती है वो किस पे पड़ रही है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे पड़ रही है, तो When unpolarized light falls on quartz crystal it split into
ई रे एंड ओ रे हो गया। कैसे? ई रे एंड ओ रे सच दैट, सच दैट, सच दैट वी ई लेस देन वी ओ, मतलब ऐसे फॉल्स, ऐसे स्प्लिट होती है क्वार्ट्ज क्रिस्टल में जिसमें वी ई जो होता है वेलोसिटी ऑफ ई रे क्या होती है, लेस देन होती है वेलोसिटी ऑफ ओ रे। ऑर्डिनरी रे है और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे है, ठीक है। व्हेन इट, कौन सी, व्हेन दीज रे, ऐसा लिख देता हूं मैं, दीज रे, व्हेन दीज रे एंटर्ड इनटू क्रिस्टल बी, क्रिस्टल बी, ठीक है, क्रिस्टल बी क्या हो गया, चाहे तो ये लिख देते क्वार्ट क्रिस्टल लिखते या क्रिस्टल ए लिख देते, कोई क्वार्ट क्रिस्टल ए लिख देता हूं मैं, क्वार्ट क्रिस्टल ए, तो क्या हो जाएगा, क्वार्ट क्रिस्टल ए, विद दीज रे इंटर्ड दीज रे, व्हेन दीज रे इंटर्ड इनटू द क्रिस्टल बी क्या होगा, क्रिस्टल बी ई रे, ई रे कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्ट लिख दीजिए या चेंज लिख दीजिए, कन्वर्टेड इनटू ओ रे, ओ रे एंड ओ रे कन्वर्टेड इनटू ई रे एंड एक्सचेंज एंड इंटरचेंज, ऐसा लिख देता हूं, एंड इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, वेलोसिटीज एंड कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो ये थ्योरी लिख देने से थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाता है, तो थ्योरी भी लिखेंगे और इसके बाद फिर जो एजम्पशन था करते हुए चले आए, यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, इतनी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये तो टाइम, ये तो आपने टाइम निकाला, अब निकाल लीजिए पाथ डिफरेंस, क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस। तो मैं क्या रफ कर दूँ, देखिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ले लिया होगा स्क्रीन शॉट आपने, तो यहाँ से देखिए, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, ये अब मैं निकालने जा रहा हूं कि पाथ डिफरेंस क्या, टाइम डिफरेंस तो मैंने निकाल दिया, पाथ डिफरेंस क्या आएगा देखिए जरा सा, ये टाइम डिफरेंस है, यहां के बाद लिखेंगे पाथ डिफरेंस। नाउ पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस हम दो बार निकालेंगे, एक बार पाथ डिफरेंस निकालेंगे क्रिस्टल ए में, एक बार निकालेंगे क्रिस्टल बी में। तो नाउ पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन, पाथ डिफरेंस डेल्टा, नाउ द पाथ डिफरेंस डेल्टा वन इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस बिटवीन, बिटवीन ई रे एंड ओ रे इन क्रिस्टल, इन क्रिस्टल ए, इन क्रिस्टल ए, क्रिस्टल ए में हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आया वो कैसा आ रहा है, वो जाए देखिए, हमारे पास डेल्टा वन आ गया, डेल्टा वन की वैल्यू क्या आती है, डेल्टा पाथ का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब डेल्टा ये सी इनटू डेल्टा टी, इसका मतलब क्या आएगा, डेल्टा वन, यहाँ डेल्टा वन की वैल्यू कितनी आ गई, ये आएगा सी, और सी तो सी रहेगा, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, ये डी वन अपॉन सी, और यहाँ से कितना है म्यू ई, म्यू ई माइनस म्यू ओ आ गया, ये है म्यू ई ऑर्डिनरी, एक देखिए म्यू ओ का मतलब क्या हुआ, ऑर्डिनरी जो ऑर्डिनरी रे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ई है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ तक सी से सी कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ गया डी वन म्यू ई माइनस म्यू ओ। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला मुझे क्रिस्टल बी के बारे में अपना काम करना है, क्रिस्टल बी में कितना पार्ट डिफरेंस होगा जब रे हमारी इंटर करती है सेकेंड
क्रिस्टल में, फर्स्ट क्रिस्टल में जैसे फाल हुई क्या हुआ, फर्स्ट क्रिस्टल में जैसे फाल हुई वो ई रे और ओ रे में टूट गई। अब दोनों के दोनों में टूटने के बाद क्या है, दोनों की स्पीड में फ़र्क है तो पाथ में डिफरेंस आ ही जाएगा, तो पाथ डिफरेंस मैंने निकाल लिया। अब मैं बात करता हूँ क्या, अब मैं बात करता हूँ कि मुझे टाइम डिफरेंस चाहिए। सिमिलरली मैं लिखने जा रहा हूँ क्या, सिमिलरली टाइम डिफरेंस इन क्रिस्टल बी बिटवीन ई रे एंड ओ रे। देखिए दो रे हैं, मैंने क्या बोला, जब क्रिस्टल बी में इंटर करती हैं तो जो ओ थी वो ई बन गई, जो ई थी वो ओ बन गई। अब क्या हुआ, पहले क्या था, अभी तक क्या था, वेलोसिटी किसकी हो गई, अब की बार वी ई की ज़्यादा हो जाएगी सेकेंड क्रिस्टल में, दैट इज़ वी ई इज़ ग्रेटर देन वी ओ। इस बात पे फोकस करिए, पहले क्या था, पहले वी ई कम था वी ओ ज़्यादा था, अब सेकेंड क्रिस्टल में वी ई ज़्यादा होगा वी ओ कम होगा, इसका मतलब क्या टाइम डिफरेंस आएगा, डेल्टा टी की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, वी ई ज़्यादा है तो वी ई में टाइम कम लगेगा, वी ओ का ज़्यादा है तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे टी ओ माइनस टी ई। इस बात से एग्री करते हैं, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसमें टाइम कम, तो ई की वेलोसिटी ज़्यादा तो ई में टाइम कम लगेगा, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है, दोनों की वैल्यू आपको पता है पहले से, अब इसको हटा देता हूँ वैल्यू यहाँ से। देखिए ये वैल्यू हटा दी तो यहाँ से कितना आ गया, डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई, ये आगे आपको मिल जाता है टी की वैल्यू पुट कर रहे हो ना, तो टी का मतलब डिस्टेंस। अब सेकेंड वाले में डिस्टेंस कितनी है, डी वन नहीं है डी टू है, तो यहाँ डी टू लिखोगे और यहाँ लिखोगे क्या, वी ओ माइनस डी टू अपॉन वी ई लिखोगे। यहाँ से डी टू कामन करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी, डी टू कामन कर लीजिए, वन अपॉन वी ओ माइनस वन अपॉन वी ई कर लीजिए, यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी से डिवाइड कर दीजिए, तो अगला स्टेप आपका क्या तैयार हो जाएगा। देखिए अब आप बिल्कुल आसानी से प्रूफ कर रहे हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल्टा टी इज इक्वल टू आपको मिल गया यहाँ से डी टू अपॉन सी, और यहाँ से मिल जाएगा सी अपॉन वी नॉट माइनस सी अपॉन वी, क्योंकि आपने सी से डिवाइड किया है, सी से मल्टीप्लाई किया तो दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, तो सी अपॉन वी नॉट, फिर वही एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू आया डी टू अपॉन सी, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, ये मिलेगा म्यू ओ माइनस म्यू ई आ गया, क्लियर हो गया, ये निकला टाइम डिफरेंस। अब आपको चाहिए पाथ डिफरेंस इन क्रिस्टल बी। नाउ द पाथ डिफरेंस कितना, पाथ डिफरेंस डेल्टा टू इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन ई रे एंड ओ रे इन क्रिस्टल बी। तो बी क्रिस्टल में पार्ट डिफरेंस जरा निकाल लीजिए, तो बी क्रिस्टल में पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए तो पार्ट डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा टू आएगा, क्या आएगा, डेल्टा टू। अब डेल्टा टू की वैल्यू क्या होती है, पाथ का मतलब होता है सी इंटू डेल्टा टी, मतलब स्पीड इंटू टाइम इंटरवल। क्या मिलेगा यहाँ से, सी सो सी है, यहाँ से लिखा जाएगा डी टू अपॉन सी म्यू ओ माइनस म्यू ई, तो यहाँ से क्या आ गया, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, डेल्टा टू इज इक्वल टू हो गया डी टू आ गया और आएगा म्यू ओ माइनस म्यू ई, तो आपको ये डी वन डेल्टा वन और डेल्टा टू मिल जाता है। अब डेल्टा वन डेल्टा टू मिल गया तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको पाथ डिफरेंस, नेट पाथ डिफरेंस चाहिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो हम लोग बता देते हैं कि नेट पाथ डिफरेंस कितना आएगा।
अब हम लोग टोटल पार्ट डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए टोटल पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे हटा देता हूँ, तो डेल्टा वन ऊपर निकाला आपने, डेल्टा वन के बाद क्या चाहिए आपको, डेल्टा वन के बाद आपको चाहिए टोटल पार्ट डिफरेंस। टोटल पार्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा, टोटल पार्ट डिफरेंस आपको चाहिए, देखिए नाउ द टोटल पार्ट डिफरेंस, टोटल पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, नाउ टोटल पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना आ गया, टोटल पार्ट डिफरेंस हमें चाहिए डेल्टा, ये डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू आएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। तो डेल्टा की वैल्यू देखिए, डी जो डेल्टा वन आया था वो कितना आया, डेल्टा वन डी टू ये आया था, तो डेल्टा वन में कितना था डी वन, और डी वन में कितना था म्यू ई माइनस म्यू नॉट था, यहाँ म्यू ई माइनस म्यू नॉट था, इस वाले में कितना है डी टू, और यहाँ कितना है, यहाँ पे है म्यू ओ माइनस म्यू ई, बस इतना फर्क है। इस क्या करिए, यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू डी वन, यह है म्यू ई माइनस म्यू ओ, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस कॉमन कर लीजिए तो डी टू आएगा और म्यू ई माइनस म्यू ओ आ जाएगा। फिर क्या करोगे यहाँ से, जरा देखिए यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू, ये दोनों में कॉमन है तो डी वन माइनस डी टू आ गया, और यहाँ से आएगा म्यू ई माइनस म्यू ओ। जरा देखिए ये है आपके पास डिजायर पार्ट डिफरेंस, इसमें एक स्पेशलिटी क्या है, जरा देखिए यहाँ पे डी वन क्या है, डी वन फिक्स है, डी वन क्या है, डी वन फिक्स है। जब भी आप ये देख रहे थे कि ये जो आपके पास क्रिस्टल है बी वो मूवेबल है, और डी वन क्या है, डी वन फिक्स है, ये क्या चीज़ होती है, मैं ले देता हूँ डी वन फिक्स होता है, ये फिक्स क्रिस्टल है, कैसा होता है, फिक्स्ड क्रिस्टल होता है, और ये क्या होता है, मूवेबल होता है, मूवेबल क्रिस्टल है, तो इसको मूवेबल मूव कर सकते हैं विद द स्क्रू एस, लेकिन ये वाला फिक्स्ड क्रिस्टल है, इसका मतलब क्या है, डी वन इज फिक्स्ड, डी वन इज फिक्स्ड, यहां लिखा जाएगा सिंस डी वन इज फिक्स्ड, डी वन इज फिक्स्ड, डी वन इज फिक्स्ड, डी टू कैन बी फाइंड, डी टू कैन बी फाइंड, डी टू कैन बी फाइंड एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको म्यू ई माइनस म्यू नॉट तो पहले से गिवन होगा, ठीक है, कैन बी फाइंड एज पर रिक्वायर्ड, एज पर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसको हम आगे पीछे शिफ्ट कर लेंगे, तो मुझे डी कितना चाहिए वो हम देख लेंगे, एज पर रिक्वायरमेंट, आल्सो म्यू ई एंड म्यू ओ आर नोन, ऐसा लिख देता हूँ विल बी नोन, विल बी नोन, एंड हेंस डिजायर पाथ डिफरेंस कैन बी इंट्रोड्यूस, एंड हेंस वी कैन डिजायर्ड पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस या प्रोड्यूस बिटवीन ई रे एंड ओ रे। तो ये पूरा कंसेप्ट था कि कैसे आप बेबिनेट कंपनसेटर को डील करते हो और क्या क्या लिखना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, मेन फोकस करना है आपको कि कैसे ई रे और ओ रे बनती हैं, इसके समझने के लिए डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल आपको आना चाहिए। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होते हैं उसमें कैल्साइट क्रिस्टल या क्वार्ट क्रिस्टल, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मैंने वही यूज़ किया है कि क्वार्ट क्रिस्टल को लेकर के पूरी चीज़ें आपको समझाई कि बेबिनेट कंपनसेटर में क्या क्या हो रहा था, कि मैंने उसका प्रिंसिपल समझाया, उसकी वर्किंग समझाई, कैसे पार्ट डिफरेंस डिजायर पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इवन मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बता दी। एट लास्ट मैं आपसे होप करता हूँ कि आप इस वीडियो को खुद देखेंगे और दूसरों तक इसे शेयर भी करेंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।